जंतुओं के वैज्ञानिक नाम यानी साइंटिफिक नेम्स ऑफ एनिमल्स, तो नामकरण के लिए द्विनाम पद्धति यानी बाइनोमिनल नोमिनल कल्चर के बारे में करता है इन्होंने कार्ल लिनियस ने सुझाव दिया था कि जंतुओं के साइंटिफिक नेम रखने चाहिए। क्यों रखने चाहिए? तो जैसे आप देखें, अब उदाहरण के तौर पर बंदर को ही उठा लें, तो जो एक बंदर प्रजाति होती है इसी के नाम, हमारा भारत में ही इतनी विविधताएँ पाई जाती हैं कि गुजरात में बंदर को कुछ और नाम से जाना जाएगा तो अरुणाचल प्रदेश में बंदर को कुछ और नाम से जाना जाएगा, जबकि है वो बंदर ही पर उसे अलग अलग नामों से ही जाना जाएगा रीजन वाइज। ऐसे फ्रांस में देख लें तो उसे कुछ और नाम से जाना जाएगा, इंग्लैंड में कुछ और नाम से जाना जाएगा। इसीलिए कार्ल लिनियस ने यह सुझाव दिया था कि जंतुओं का एक साइंटिफिक नेम रखना चाहिए जिससे हर देश में, चाहे कोई भी देश हो, उसे उस साइंटिफिक नेम से जाने। तो उसके लिए उन्होंने कुछ नियम दिए थे, तो 6 नियम दिए थे। ये नियम भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, तो चलिए हम इन नियमों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला नियम दिया था उन्होंने कि ये नेम लेटिन वर्ड्स में होने चाहिए। लेटिन वर्ड्स एक प्राचीन भाषा है, जैसे कि संस्कृत ऐसे एक लेटिन भाषा है, ये भी बहुत प्राचीन भाषा है, तो उन्होंने कहा था कि ये नाम लेटिन वर्ड्स में होने चाहिए। दूसरा नियम क्या था कि ये 2 वर्ड्स यानी 2 अक्षरों का होना, 2 शब्दों का होना चाहिए। जैसे कि मनुष्य के बारे में आपको पता है मनुष्य का साइंटिफिक नेम क्या होता है, होमो सेपियंस। तो देखिए ये पहला वर्ड क्या है, होमो, और दूसरा वर्ड क्या है, सेपियंस। ये 2 वर्ड्स में है। कोई भी साइंटिफिक नेम हो वो हर हमेशा याद रखना 2 वर्ड्स में होता है, कभी भी एक वर्ड का नहीं होगा, हरदम 2 वर्ड का होगा। तीसरा नियम क्या था कि फर्स्ट टर्म जो उसके 2 टर्म है ना, जैसे 2 शब्द हैं, तो जो पहला टर्म होगा वो उसके वंश को यानी जीनस को दर्शाएगा, और जो सेकेंड टर्म होगा वो उसकी स्पीसीज यानी जाति को दर्शाएगा। तो जैसे ये होमो सेपियंस है मनुष्य का साइंटिफिक नेम, तो ये जो होमो है ये फर्स्ट टर्म है, तो ये उसके वंश को दर्शाएगा, और जो ये सेपियंस है ये उसकी जाति को दर्शाएगा। ये था तीसरा नियम कार्ल लिनियस का। चौथा नियम क्या था, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, जो फर्स्ट टर्म होगी वो कैपिटल होगी, जैसे आप ये देख रहे हैं होमो, तो होमो जो ये एच है ये कैपिटल में लिखना होगा हमेशा, ये उनका चौथा नियम था। जो सेकंड टर्म था कि जो सेपियंस है, तो अब ये एस को देख रहे हैं, ये स्मॉल लेटर में है, आप देख रहे होंगे ये स्मॉल लेटर में सेपियंस का एस। जो होमो है उसका एच हरदम कैपिटल लेटर में होना चाहिए, और जो एस है सेपियंस का वो हरदम स्मॉल लेटर में होना चाहिए। ये कार्ल लिनियस का नियम था। पांचवा नियम देख लेते हैं। तो पांचवा नियम उन्होंने बताया था कि प्रिंटिंग मटेरियल, यानी अगर कहीं भी साइंटिफिक नेम चाहे अखबार में हो या किताबों में हम पढ़ेंगे तो हरदम इटैलिक फॉन्ट में होना चाहिए। इटैलिक फॉन्ट कौन सा होता है, जैसे मैंने ये लिखा हुआ एग्जांपल में, आप देखिए होमो सेपियंस लिखा हुआ है, ये इटैलिक फॉन्ट में लिखा हुआ है, मतलब कि थोड़ा सा आप देखोगे ये थोड़ा सा टेढ़ा होगा, तिरछा होगा। नॉर्मल ऐसे होता है होमो सेपियंस देखेंगे तो आप, पर ये जो इटैलिक फॉन्ट होता है थोड़ा तिरछा होता है। तो उन्होंने कहा था जब भी कोई प्रिंटिंग मटेरियल पे लिखा जाए यानी अखबारों पर, किताबों पर, कहीं पर भी, तो यह एकदम इटैलिक फॉन्ट में ही लिखना है, ये अनिवार्य है, ये कार्ल लिनियस ने नियम बताए थे। और छठा नियम क्या था, हैंड रिटन, यानी जब उसे हम अपने हाथों से लिखेंगे तो ये हरदम अंडरलाइन होना चाहिए, जैसे आप देख रहे हैं होमो सेपियंस को अंडरलाइन किया हुआ है, ऐसे ही अगर हम अपने पेन से या पेंसिल से कहीं पर भी इसे कॉपी पर लिखेंगे तो उन्होंने बताया था अगर ये हैंड रिटन हो तो ये अंडरलाइन होना चाहिए। तो ये थे कार्ल लिनियस जी के 6 नियम, इन्होंने बताए थे कि कैसे साइंटिफिक नेम रखना चाहिए। तो चलिए अब देख लेते हैं, हम याद कर लेते हैं, ट्रिक से याद करेंगे हम। पहला देखते हैं मनुष्य, यानी मैंने इसे बायलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा है ताकि आपको याद रखने में कठिनाई ना हो। ज़्यादातर आप फोकस करें कि इसको इंग्लिश में ही याद रखें, क्योंकि हिंदी में भी इसे इंग्लिश को ही रखा गया, इसका वो नाम बदला नहीं गया है, क्योंकि साइंटिफिक नेम बदला नहीं जा सकता, उसे इंग्लिश और हिंदी में एक ही तरह लिखा जाएगा, तो आप इंग्लिश में ही इसे फोकस करें। तो मनुष्य यानी ह्यूमन, ह्यूमन को क्या कहा जाता है, आपको याद ही होगा, होमो सेपियंस। तो अगर आप इसे भी नहीं याद रखें तो मैं आपको इसके ट्रिक बता देता हूँ, आप उसे होमो में फोकस करें, जो मनुष्य होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, होम में, तो इसे आप इसे याद रख सकते हैं। वैसे तो आपको ये याद होना ही चाहिए कि मनुष्य को क्या कहा जाता है, होमो सेपियंस। तो चलिए अब दूसरा देखते हैं, मेढक यानी फ्रॉग। तो फ्रॉग का साइंटिफिक नेम क्या है, राना टिग्रिना। क्या, राना टिग्रिना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप कैसे याद रखेंगे, तो अगर इसको याद रखने की ट्रिक ये है कि अगर आप मेढक की साउंड को देखेंगे तो मेढक कैसा साउंड करता है, टर टर। तो जो बरसाती मेढक होते हैं, जब बरसात होती है तो मेढक टर टराना शुरू कर देते हैं, टर टराना शुरू कर देते हैं, बस यही है हमारी ट्रिक, आप इस वर्ड शब्द पे फोकस करें, टर टराना। तो जो इसके पीछे राना है इससे हम इसे रिलेट कर सकते हैं, तो मेढक के साउंड से हम इसे रिलेट करेंगे, मेढक टर टराता है, तो टर टराना से जो राना है उसे हम याद रखेंगे, राना टिग्रिना। तो मेढक का साइंटिफिक नेम क्या होता है, राना टिग्रिना। इसी तरह हम जहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत होगी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, और जहाँ पर ट्रिक की ज़रूरत नहीं होगी मैं आपको रिलेट करके बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादा ट्रिक भी हम अपने दिमाग में नहीं रख सकते, तो जहाँ जहाँ ट्रिक की ज़रूरत होगी, मुझे लगेगा कि आपको ट्रिक की ज़रूरत है, वहाँ मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, तो आप मेढक को ऐसे याद कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं, बिल्ली यानी कैट। कैट का साइंटिफिक नेम क्या है,
तो आप इसका साइंटिफिक नेम देख रहे होंगे, फेलिस डोमेस्टिका कहते हैं इसे। साइंटिफिक नेम क्या है? फेलिस डोमेस्टिका। तो इसके आप डोमेस्टिक वर्ड पे अगर आप फोकस करें, डोमेस्टिक, तो डोमेस्टिका मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक आप देखते हैं घरेलू। तो आप देखते हैं आजकल बिल्ली जो होती है इसे सब पालते भी हैं, विदेशों में तो इसे बहुत पाला जाता है, भारत में भी ये चलन शुरू हो चुका है, अब भारत में भी बिल्ली को पालते हैं, तो आजकल ये घरेलू जानवर बन चुका है। तो इसे आप याद रख सकते हैं, डोमेस्टिका से रिलेट कर सकते हैं कि जो बिल्ली है आजकल घरेलू जानवर बन चुका है, यानी डोमेस्टिका, डोमेस्टिक में भी इसे पालने जाने लगा है। तो इससे आप याद रख सकते हैं, फेलिस डोमेस्टिका। आगे देखते हैं चूहा यानी रैट। इसे तो याद करना बहुत ही आसान है, आप इसके साइंटिफिक नेम से याद कर सकते हैं। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? रैटस रैटस। तो इसके चूहे को रैट कहा जाता है, तो इसके शब्द में छुपा है रैटस। इसे तो आप कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं, ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मोर यानी पीकॉक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है मोर के बारे में। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? पावो क्रिस्टेटस, पावो क्रिस्टेटस। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे? तो इसे याद रखने की ट्रिक है, जैसा कि आपने बचपन में भी कहानी सुनी होगी अपनी नानी से, दादी से, या कहीं पर भी, कि जब आपने पूछा होगा कि बारिश कैसे होती है, तो उन्होंने आपको बताया होगा कि जब मोर अपने पैरों को देखकर रोने लगता है। मैंने भी सुनी है, आपने भी सुनी होगी, नहीं सुनी तो मैं अब सुना देता हूँ आपको। जब मोर, कहा जाता था कि जब मोर अपने पैरों को देखकर रोने लगता था तब बारिश होती है, अगर आपने सुनी होगी ये कहानी। तो इसी से हम इसको याद करेंगे, क्या? जब मोर अपने पाँव को देखकर, यहाँ पर देखो पाँव, और यहाँ पर क्या क्राई स्टेटस का क्राई याद रखना, क्राई। जब मोर अपने पाँव को देखकर क्राई करने लगे यानी रोने लगे तब बारिश होती थी। तो इससे आप पीकॉक को याद रख सकते हैं। अभी मैं आपको ये सुना रहा हूँ, बस आप इसे बस सुनते चलिए, आपको ये सब याद हो जाएंगे खुद ही। तो जब मोर अपने पाँव को देखकर क्राई करने लगे तब बारिश होती थी, इससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि मोर को क्या कहते हैं? पाओ क्रिस्टेटस। मैंने इमेज भी बनाई है जिसमें मोर रो रहा है अपने पाँव को देखकर। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कुत्ता यानी डॉग। तो डॉग का साइंटिफिक नेम क्या है? कैनिस फैमिलियर्स, कैनिस फैमिलियर्स। तो इसको आप कैसे याद रखेंगे? तो कैनिस फैमिलियर्स में आप देखेंगे फैमिलियर्स, इस पर आप फोकस करिए, फैमिलियर्स। फैमिलियर्स मतलब पारिवारिक। तो आजकल तो आप देख ही रहे हैं लोग कुत्तों को एक परिवार की तरह, अपने परिवार के मेंबर की तरह पालते हैं। कहीं जो कहीं पर भी आप देखें तो जो कुत्ता होता है उनके परिवार के मेंबर की तरह ही होता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं फैमिलियर्स से। अगर आप अभी भी, आपको अगर थोड़ी डिफिकल्टीज, तो मैं आपको ऐसे भी याद करा सकता हूँ कि अगर आप फैमिलियर्स में, आप ये देखिए कुत्ता है ये, आगे इसका अगला वर्ड देखिए कैनिस फैमिलियर्स। तो कुत्तों को आपको तो पता है फैमिली की तरह मानते हैं, लेकिन ये फैमिली में भी डिफरेंट कैसे, डिफ्रेंशिएट कैसे होता है? इसके जो कान हैं बड़े बड़े होते हैं, कैनिस यानी कान इसके बड़े बड़े होते हैं। ये फैमिली का मेंबर तो है, पर फैमिली के मेंबर से अलग कैसा है? क्योंकि इसके कान हैं वो बड़े बड़े हैं, इससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। इसके कान बड़े बड़े होते हैं और ये फैमिली का मेंबर होता है, फैमिलियर होता है काफ़ी। नेक्स्ट देखते हैं गाय यानी काऊ। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस। तो इससे आप, इसको आप कैसे याद कर सकते हैं ट्रिक से? तो आप देख रहे होंगे बॉस इंडिकस यानी बॉस से तो आप रिलेट करेंगे बॉस ही को, और इंडिकस से इंडिया को। तो जो गाय है हमारे इंडिया में बॉस की तरह मानी जाती है, गाय की पूजा भी होती है, तो गाय को क्या इंडिया में बॉस की तरह मानते हैं। तो इससे आप याद कर सकते हैं बॉस इंडिकस यानी कि गाय, गाय का साइंटिफिक नेम है बॉस इंडिकस। नेक्स्ट देखते हैं भैंस यानी बफेलो। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? बुबलस बुबलिस, बुबलस और बुबलिस। तो इसको हम कैसे, इसको कोई ट्रिक की याद करने की जरूरत नहीं, आप इसके जो प्रोनाउंसिएशन से ही याद कर सकते हैं। देखिए इसके क्या बुबलस बुबलिस, तो बुबलस से ही आप इसको रिलेट कर सकते हैं बफेलो को, क्योंकि इसकी ट्रिक आप ज़्यादा याद करेंगे तो आपको याद नहीं होगी, आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। इसकी ट्रिक क्या है? बुफेलो को आप जब इसको पढ़ेंगे बुबलस बुबलिस, तो जो बुबलस है ये बुफेलो की तरह ही है, इससे रिलेट कर लेना आप इसे। चलिए आगे देखते हैं शेर यानी लॉयन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब हम दोनों इसको शेर और ये टाइगर यानी बाघ, इसको दोनों के इकट्ठा याद करेंगे, क्योंकि इनका दोनों का क्या है? पैंथेरा। इसका जो लॉयन का इसका क्या है? पैंथेरा लियो, और बाघ का क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस। तो दोनों में पैंथेरा पाया जाता है, लिखा होता है पैंथेरा पैंथेरा, पर इसका जो आप लास्ट जो दूसरा शब्द है इससे फोकस करें, तो जो लॉयन का है वह लियो, और जो टाइगरस टाइगर का इसका क्या है? टाइग्रिस। इससे आप याद कर लेंगे, जो टाइगर का क्या है? टाइग्रिस, और लॉयन का क्या है? लियो। रिलेट हो रहा है ना दोनों से ये, इससे आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है ये, इसलिए इसे याद जरूर कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं हाथी यानी एलिफेंट। तो एलिफेंट का जो है साइंटिफिक नेम क्या होता है? एलिफस मैक्सिमस। क्या? एलिफस मैक्सिमस। इसे भी आप आसानी से याद कर लेंगे, क्योंकि ये रिलेट हो ही रहा है। देखो आप एलिफेंट का क्या है? एलिफस, पहला शब्द इसका रिलेट हो रहा है, तो इसकी भी कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, आप इसे आसानी से याद कर लेंगे।
नेक्स्ट देखते हैं भेड़ यानी शेप, इसका क्या साइंटिफिक नेम, ओविस। इसकी प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में देखें क्या होती है, ओविस एरिस, हिंदी में एराइज लिखा हुआ है पर इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसे होती है ओविस एरिस। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसका साइंटिफिक नेम आप कैसे याद करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपका राशि देखते हैं राशिफल, तो जो एरिस होता है, एरिस जो राशिफल होता है, इसका सिंपल में आप देखेंगे एरिस मतलब मेष राशि। जिनकी मेष राशि होती है उनको पता होगा, जिनकी मेष राशि होती है, मेष राशि को इंग्लिश में एरिस कहते हैं। तो एरिस का सिंपल आप राइट साइड में देख ही रहे हैं, ये भेड़ की तरह होता है। एरिस को भेड़ ही कहा जाता है, मैंने आपको पहले बताया था जो ये लेटिन वर्ड्स में लिया गया, तो लेटिन लैंग्वेज में जो भेड़ होता है उसे एरिस कहा जाता है। जो मेल भेड़ होता है यानी जो नर भेड़ होता है उसे एरिस कहा जाता है, और एरिस का सिंबल भी भेड़ की तरह होता है। तो जिनकी तो राशि मेष है उन्हें तो ये पता ही होगा, अगर आपको अभी नहीं पता तो आप अभी देख लें। तो जो एरिस होता है, एरिस का जो सिंबल होता है उस पर भेड़ बना होता है, इससे आप इसे रिलेट कर सकते हैं। तो शेप का क्या होगा, ओविस एरिस। अगला देखते हैं ऊंट यानी कैमल, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, कैमेलस डोमेडेरियस। क्या होता है, कैमेलस डोमेडेरियस। इसे भी आप आसानी से याद कर सकते हैं क्योंकि आप इसे देखेंगे कैमल, यहाँ पर क्या लिखा है, कैमेलस, यहीं पर छुपा हुआ है ये, तो इसकी भी कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, आप इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। अगला देखते हैं बंदर यानी मंकी, तो मंकी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, रीसस मैकाक। क्या होता है, रीसस मैकाक। अगर आपने मुझसे ब्लड ग्रुप का मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था ना कि जो हमारा ब्लड होता है कैसे पता चलता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो मैंने आपको उस समय भी बताया था कि एक रीसस नामक बंदर प्रजाति होती है जिसे आरएच फैक्टर के बारे में पता चला था। उसके दो शब्द लिए थे ना आरएच, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि हमारा जो ब्लड होता है उसमें कैसे पता चलता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो आरएच फैक्टर से पता चलता है। और आरएच फैक्टर कहाँ से लिया गया था, एक बंदर से लिया गया था, तो उसे आप याद कर सकते हैं बंदर का क्या होता है, रीसस मैकाक। नेक्स्ट देखते हैं सांप यानी स्नेक, तो स्नेक का क्या होता है साइंटिफिक नेम, सबोर्डर सरपेंटस। क्या होता है, सबोर्डर सरपेंटस। कहीं कहीं पर ये सरपेंटस ही लिखा होता है खाली, पर इसके दो होते हैं, दोनों शब्द याद रखने होते हैं आपको, सबोर्डर सरपेंटस, ताकि चाहे सरपेंटस लिखा जाए या सबोर्डर सरपेंटस लिखा जाए आपको याद रहे। चलिए अब इसका ट्रिक देखते हैं क्या होगी, तो सांप की ट्रिक होगी आपको यहाँ पर देखना, सरपेंटस सरपेंटस। अब इसे अगर तोड़ तोड़ के पढ़ें तो सांप को आपको पता है हिंदी में सर्प भी कहा जाता है, तो ये क्या लिखा है, सर्प, देखो सर्प लिखा ना, उसके बाद सरपेंटस लिखा है, तो पहले दो इस पर याद करेंगे सर्प से, तो सर्प से आप याद करोगे सांप को, सांप को सर्प भी कहा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। और अगर आप एनसीईआरटी साइंस की तैयारी शुरू से करना चाहते हैं, तो मैंने इससे पहले 4 वीडियो बायोलॉजी के अपलोड भी कर दी है, उसमें भी मैंने बहुत ध्यान से सब आपको रिसर्च करके पूरा पढ़ाया हुआ है। अब उसके ये 5वीं वीडियो मैंने अपलोड की है, तो अपन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं करंट अफेयर और जीके की ट्रिक्स की वीडियो भी अपलोड करता रहता हूँ, आप चैनल पर जाकर उसे भी देख लें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बकरी यानी गोट। गोट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, कैपरा हिरकस। क्या होता है, कैपरा हिरकस। तो आप इसके दो पहले देखिए कैप लिखा हुआ है, तो आप ये इमेज में भी देख रहे हैं क्या हुआ, जो गोट है यानी बकरी ने कैप पहनी हुई है। अब इसे इमेज से याद रखेंगे, देखिए बकरी ने कैप पहनी हुई है, कैप कैपरा, तो बकरी का क्या साइंटिफिक नेम होगा, कैपरा हिरकस। जब भी बकरी आपके आगे आएगी, जब आप देखेंगे तो आपको ये दिमाग में आपकी ये इमेज आ रही हुई है, इससे आपको ये याद हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो चलिए बाकी में दो बच्चे हैं, इन्हें भी पढ़ लेते हैं। पहला है घोड़ा यानी हॉर्स। हॉर्स का साइंटिफिक नेम क्या होता है, इक्वस कैबेलस। तो आप इसके जो कैबेलस में जो कैब वर्ड है इस पर फोकस करें, कैब। आजकल तो जो कैब है हम उस ओला उबर ही जानते हैं, पर पहले के टाइम पर ये ऐसी कैब चलती थी यानी घोड़ा गाड़ी। तो जो राजा महाराजा प्रिंस होते थे इसी घोड़ा गाड़ी पे चलते थे, ऐसी कैबों पर चलते थे। तो जब भी वर्ड आए कैब तो आप याद रखना हॉर्स कैब होती थी, तो हॉर्स का साइंटिफिक नेम क्या होगा, इक्वस कैबेलस। कैब से याद रखेंगे हॉर्स कैब को। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं मक्खी यानी हाउस फ्लाई। इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, मस्का डोमेस्टिका। तो डोमेस्टिका से तो ये पता चलता है कि घर घर में पाई जाती है यानी घरेलू होती है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था एक कौन सा, फेलिस डोमेस्टिका, जो वो किसके लिए था, बिल्ली के लिए था। तो आप कन्फ्यूज ना हो इसमें, इसका मैं आपको कैसे डिफ्रेंशिएट कैसे पता करेंगे। डोमेस्टिका से तो ये पता चलेगा कि घरेलू है यानी घरों में पाई जाती है, पर आप इसका जो मस्का है, आप हिंदी में पढ़ के देखिए क्या लिखा है, मस्का डोमेस्टिका। तो मस्का को आप क्या पढ़ेंगे, मक्खा यानी मक्खा डोमेस्टिका। तो मक्खा से आप रिलेट करेंगे मक्खी को, तो मक्खी का साइंटिफिक नेम कैसे पढ़ेंगे, मक्खा डोमेस्टिका।
तो जो है कि जो असली में क्या है, मस्का डोमेस्टिका, पर आप इस पर पढ़ेंगे मक्खा डोमेस्टिका, इसे आपको ये याद रहेगी। आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक्स पसंद आई होंगी। तो सबसे पहले हम विटामिन के बारे में समझेंगे। विटामिन का आविष्कार फंक ने सन 1911 ईस्वी में किया था, और यह क्या होता है, यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, इनमें कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती, मतलब विटामिन से हमें किसी भी प्रकार की कैलोरी नहीं प्राप्त होती, परंतु यह शरीर के उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म में रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, साधारण शब्दों में आपको समझा दूँ तो मेटाबॉलिज्म एक प्रकार की पाचन क्रिया है, जो हमारे शरीर में पाचन होता है उसे मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। तो आगे देखते हैं, विटामिन इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है, तो विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है, ये हमारे शरीर की रक्षा करता है। तो मुख्यतः विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो विटामिन मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन बी के आगे कुछ सब पार्ट्स होते हैं, मैं आपको सभी ट्रिक से कराऊंगा। तो पहले चलिए आगे समझ लेते हैं इन्हें डिटेल में। तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील हैं और कौन से वसा में घुलनशील हैं, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से विटामिन बताओ जल में घुलनशील है और कौन से वसा में घुलनशील है। तो विटामिन को घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, मतलब इन्हें दो भागों में बांटा गया है घुलनशीलता के आधार पर, एक जल में घुलनशील और एक वसा में घुलनशील। तो चलिए मैं आपको ट्रिक से बताता हूँ, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील है और कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है। बस आपको याद रखना है WBC। इससे पहले मैंने आपको रक्त पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको पढ़ाया था ना RBC, WBC, तो आप उसी से WBC को याद कर सकते हैं। तो WBC हम कैसे याद करेंगे कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील है, तो W से आप रिलेट करेंगे वाटर, वाटर मतलब जल, तो वाटर में कौन से विटामिन घुलनशील है, BC। तो इससे हमें याद हो जाएगा ना, WBC से हम याद कर लेंगे कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील है, बी और सी, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। बस आपको WBC याद रखना है, W से रिलेट होगा वाटर, तो वाटर में कौन से विटामिन घुलनशील है, बी और सी। तो बाकी जो विटामिन बचे, 6 विटामिन थे, 2 जल में घुलनशील होंगे, तो बचे जो 4 विटामिन, ये किसमें घुलनशील होंगे, वसा में, जिसे हमें याद रहेगा, हम कभी नहीं भूलेंगे। बस आपको क्या याद रखना है, WBC, यह ट्रिक है जिससे अभी आपको सभी विटामिन याद रहेंगे कौन से जल में घुलनशील है और कौन से वसा में घुलनशील है। तो चलिए आगे देखते हैं, हम सभी प्रकार के जो 6 विटामिन हैं, पहले मैं आपको उसके रासायनिक नाम याद कराऊंगा, आपको वैसे तो याद नहीं रहते, पर मैं आपको ट्रिक की मदद से याद कराना चाहूँगा। तो आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, आप उससे रिलेट कर सकते हैं, बस आपको उस स्टोरी को ध्यान से सुनना है। तो आप जैसे कि इस इमेज में देख रहे हैं कि एक छोटा सा बच्चा रथ पे चढ़ा हुआ है और उसके हाथ में क्या है, AK-47। वो गलती से अपने हाथ में AK-47 उठा लेता है और उससे खेलने लगता है। तो नीचे आप देख रहे हैं उसके माता पिता आते हैं और वो घबरा जाते हैं और अपने बेटे को कहते हैं, बेटा AK-47 नीचे रख दो और नीचे आ जाओ, लेकिन बेटा मना कर देता है। तो उसके माता पिता कहते हैं, बेटा उसे नीचे रख दो, मैं आपको टॉफ़ी दूंगा। तो बेटा खुश हो जाता है। बस आपको यही स्टोरी याद रखनी है। अब आपको याद हो गए सभी रासायनिक नाम, आप कहेंगे कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको क्या कहा, आप यहाँ पर देखें, रथ पे AK-47 है, बेटे के हाथ में AK-47 है और उसे माँ बाप क्या कहते हैं, बेटा नीचे आ जाओ, टॉफ़ी ले लो। तो आपको मैंने जो हाईलाइट किए हैं बस यही याद रखना है, रथ पे AK और टॉफ़ी, इससे आप 6 प्रकार के विटामिन याद रख सकते हैं। कैसे, देखो पहले कौन से दो हैं, रथ, रा से हुआ रेटिनॉल, था से हुआ थायमिन, आगे क्या था, AK-47, उसमें हम रखेंगे AK, तो ए से एस्कॉर्बिक एसिड और के से कैलिस्फोरॉल, आगे क्या है, टॉफी, तो टॉफी से क्या रखेंगे, टी से टोकोफेरॉल और फी से फिलोविकिनॉल। ये इस तरह के कंफ्यूजिंग विटामिन के रासायनिक नाम हैं, आपको ये याद तो नहीं रहेंगे पर आपको इस ट्रिक से याद रहेंगे, क्योंकि जब भी क्वेश्चन हमें आएगा तो वहाँ पर जब ऑप्शन दिए होंगे तो जब आप याद रखेंगे रथ, तो आप उसी तरह रिलेट कर लेंगे, रा से रेटिनॉल, था से थायमिन और AK से एस्कॉर्बिक एसिड, के से कैल्सिफोलॉल और टा से टोकोफेरॉल और फी से फिलोक्विनॉन। इससे आपको याद रहेंगे, जब आप कभी करेंगे लास्ट में आपको खुद ब खुद याद आ जाएंगे, बस आपको ये ट्रिक याद रखनी है। तो चलिए अब देख लेते हैं कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है उसकी कमी से और ये किन स्रोतों से पाया जाता है। तो इधर आप देख रहे हैं मैंने सभी विटामिन लिखे हैं और इधर उनसे कमी से होने वाले रोग और राइट साइड में स्रोत। तो विटामिन ए से किस कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, और ये इसके कौन कौन से स्रोत हैं, तो दूध, अंडा और हरी सब्जी, इसे विटामिन ए की कमी को पूरा किया जा सकता है। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरी बेरी, तो बेरी बेरी
विटामिन बी की कमी से को किससे पूरा किया जा सकता है? दालें, मूंगफली और सब्जियों से। विटामिन सी की कमी से हमें कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी। तो विटामिन सी की कमी किससे पूरी की जा सकती है? खट्टे फलों से। याद रखिएगा, खट्टे पदार्थ जो होते हैं उनसे विटामिन सी की कमी को पूरा किया जा सकता है, जैसे नींबू, संतरा और बाकी जो खट्टे फल होते हैं उनसे विटामिन सी की कमी को पूरा किया जा सकता है। तो आगे देखते हैं विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। और विटामिन डी की कमी को किससे पूरा किया जा सकता है? तो इसे मेन दो चीज़ों से पूरा किया जा सकता है, एक तो धूप जो नेचुरल है और एक मछली के यकृत के तेल से। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है याद रखना, एक धूप और दूसरा मछली के यकृत के तेल से, ये काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन। और बाकी दूध और अंडे से भी पूरा किया जा सकता है, पर मेन आप दो याद रखना, एक तो धूप से और एक मछली यकृत के तेल से विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है। आगे देखते हैं विटामिन ई। तो विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? बांझपन। बांझपन हो जाता है विटामिन ई की कमी से। तो इसे कैसे दूर किया जा सकता है? पत्ते वाली सब्जियां खाकर, दूध और अंकुरित अनाज, इससे विटामिन ई की कमी को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन के। तो विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, तो रक्त की क्लॉटिंग नहीं होती। तो इसकी कमी किससे पूरी की जा सकती है? हरी सब्जियां खाकर विटामिन के की कमी पूरी की जा सकती है, जैसे पालक, इस सब से इसमें आयरन होता है, इसे विटामिन के की कमी को पूरा किया जा सकता है। तो अभी आपने समझा इसकी कमी से होने वाले रोग और स्त्रोत। तो आगे देखते हैं, अब हम आगे जो विटामिन बी के सभी पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स उसे भी ट्रिक से याद करेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अभी हम समझते हैं। तो पहले आप देख लें कि विटामिन बी के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। इसमें बी वन पार्ट भी होता है विटामिन का, जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा क्योंकि मैंने उसे आपको पीछे समझा दिया। जो विटामिन बी होता है उसे विटामिन बी वन कहा जाता है। विटामिन बी मैंने आपको पीछे पढ़ाया ना, ए बी सी डी ई के, उसमें बी था तो वही बी वन है, तो इसीलिए मैंने इसमें बी वन को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि मैंने उसे आपको पीछे पढ़ा दिया। तो उसके आगे वाले पार्ट्स हम कवर करेंगे। तो पहले आप देख लें कौन कौन से विटामिन के पार्ट्स होते हैं बी के। एक तो बी टू, आपको इसको लाइन वाइज याद रखना है, फिर बी थ्री, बी फाइव, बी सिक्स, बी सेवन, बी इलेवन और बी ट्वेल्व। बी टू, थ्री, फाइव, सिक्स, सेवन, इलेवन, ट्वेल्व, ये सभी विटामिन बी के पार्ट्स हैं। तब इससे हम देखेंगे इसके रासायनिक नाम कौन कौन से हैं। तो आप जैसे देख ही रहे हैं कि रासायनिक नाम कितने बड़े बड़े हैं, ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, बस आपको ये ट्रिक याद रखनी है, इससे आपको ये सभी याद रहेंगे। आपको खुद जब आप क्वेश्चन लगाओगे ना, आपको खुद याद रहेंगे। बस इसकी ट्रिक आपको कैसे रखनी है, बस आपको ये इसको याद करना है, दो चार बार उसे बोलेंगे ना आपको याद हो जाएगा। रानी पी पी बी एफ एस, रानी पी पी बी एफ एस, बस आप इसे दो तीन बार याद कर लें आपको ये सभी विटामिन, क्योंकि इसे उस तरह याद करना बहुत ही कठिन है, आप इस ट्रिक से याद रखेंगे तो आपको याद रहेंगे। बस आपको दो या बार याद करना है रानी पी पी बी एफ एस। पी पी से आप याद कर सकते हैं पंजाब पुलिस, और बी एस एफ तो आपको पता ही है, बस उसका अपोजिट बी एफ एस, रानी पी पी बी एफ एस। कैसे? अब देखिए, रानी रा से पहले होगा राइबो फ्लेविन, उसके आगे क्या है? नी, तो नी से क्या होगा? निकोटेनेमाइड या नियोसिन, ये विटामिन बी थ्री का नाम है। आगे क्या है? पी पी, तो विटामिन बी फाइव का क्या है? पेंथोथेनिक अम्ल। और अगला विटामिन बी सिक्स, पायरीटॉक्सिन, ये हो गया पी पी। आगे क्या है? बी एफ एस, तो बी से क्या होगा? विटामिन बी सेवन का बायोटीन। एफ से क्या होगा? बी इलेवन का फोलिक अम्ल। एस से क्या होगा? साइनोकोबाल लुमिन, ये विटामिन बी ट्वेल्व का है। तो बस आपको ये ट्रिक याद रखनी है, क्योंकि वैसे ही आप देख ही रहे हैं कितने कन्फ्यूजिंग है, ये याद नहीं होते, पर आप इस ट्रिक को याद रखेंगे। आपको तभी लग रहा होगा कि मुझे याद नहीं हो रहे, पर आप जब क्वेश्चन लगाओगे ना तो आप इसे एक बार दोहराएंगे तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगे। बस आपको जहाँ पर आपके दिमाग में ऐसा है ऐसे आप रिलेट करेंगे, वहाँ पर ऑप्शन में होगा, जैसे ये तीन ऑप्शन में होगा और ये चौथा होगा, ऐसे क्या रिलेट होगा? साइनोकोबाल में। बस आपको इसे टिक कर देना उस समय। तो कुछ आपको इंपॉर्टेंट बातें भी बता देता हूँ विटामिन बी के रिलेटेड। तो ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन बी ट्वेल्व में कोबाल्ट पाया जाता है, तो आप कोबाल्ट कैसे याद रखेंगे? आप इसका रासायनिक नाम देखिए विटामिन बी ट्वेल्व का, ये क्या है? साइनोकोबालमिन। तो इसमें खुद में इसके नाम ही ये छुपा हुआ है, अब मैंने हाईलाइट किया है, खुद देखें कोबाल, इसे आप रिलेट करेंगे कोबाल्ट को। तो विटामिन बी ट्वेल्व में कोबाल्ट पाया जाता है, जिसका रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालमिन। ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको अलग से करा दिया। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है? विटामिन को, ये हमारी रोगों से रक्षा करते हैं, तो इसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? फंक ने, फंक ने ही विटामिन शब्द प्रतिपादित किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है?
तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? रतौंधी। इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। और बेरी बेरी किससे फैलता है? विटामिन बी से। स्कर्वी किससे फैलता है? विटामिन सी से। और रिकेट आप कमेंट सेक्शन में बताएं ये कौन सी विटामिन की कमी से फैलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? विटामिन बी 12। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी। कैसे मैंने आपको बताया था कि विटामिन बी 12 को क्या कहा जाता है? साइनोकोबाल्ट मीन, तो उसी में छुपा हुआ है कोबाल्ट। तो विटामिन बी 12 की कमी से विटामिन बी 12 को ही कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थायमिन, थायमिन है तो अब आप यही ट्रिक काम आएगी हमारी कि थायमिन है ये कौन सा रासायनिक नाम है किसी भी विटामिन का। तो चलिए हम अपने जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी उसे याद करते हैं। तो मैंने आपको बताया था रथ AK-47 टॉफी, तो रथ रथ, तो जो रा होगा ये किसके लिए होगा? विटामिन ए के लिए। था होगा विटामिन बी के लिए। तो यहाँ पर क्या है? थायमिन। तो थायमिन क्या होगा? विटामिन बी। इसी तरह आपको रिलेट करके आंसर सही करना है, यहीं पर ट्रिक हमारी काम आती है। तो विटामिन बी थायमिन है, विटामिन बी का ही नाम थायमिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है, तो खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? विटामिन सी। जैसे कि संतरा, नींबू, ये सब खट्टे फल हैं, तो जो विटामिन सी है ये खट्टे फलों में पाया जाता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? तो रक्त का थक्का मानव शरीर में किस विटामिन से बनता है? तो विटामिन के। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विटामिन के से रक्त का थक्का बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइनोकोबालमिन है, तो साइनोकोबालमिन है, मैंने आपको बताया था ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है। तो साइनोकोबालमिन है विटामिन बी 12, इसमें हमें कोबाल्ट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है, तो चलिए अब हम अपनी ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या थी हमारी? रथ ए के, लास्ट में कहता है टॉफी। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट में आता है ना विटामिन ए और के, ये लास्ट में आता है, तो लास्ट वाले उठाएंगे टॉफी, टॉफी। तो ये तो के लिए होगा और ये होगा ई के लिए, तो देखते हैं टो से कौन सा है। ये ऑप्शन बी देखिए, ये ना टोकोफेरोल, तो यही हमारा सही होगा। इसी तरह आपको जो ट्रिक है उसको रिलेट करना है और आप आंसर सही तरह लगा पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो अभी हम बताएंगे कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। इसकी ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी? WBC। तो वाटर में कौन कौन से विटामिन घुलनशील है? बी और सी। तो आप ऑप्शन में देखिए कौन सा विटामिन हमें मिला हुआ है, इसमें विटामिन सी, बी नहीं है, विटामिन सी है। बाकी जो है वसा में घुलनशील है, ए ई और टी, तो विटामिन सी जल में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रातःकाल धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो धूप में, धूप से मतलब हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो धूप से हमें एक ही विटामिन मिलता है, कौन सा? विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो मैंने आपको बताया था कि विटामिन डी है जो मेन दो चीज़ों से मिलता है, एक तो मछलियों के यकृत के तेल से और एक धूप से। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? विटामिन डी। तो मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। इसी तरह के क्वेश्चन के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।